हरिओम पे आज कालांश को समस्त स्वागत पे आज आम नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहर पंचम अध्याय गति मोशन विषय आलोचना करवा तेज गति कौन समय अनुसार गोटे वस्तु तार विभिन्न अंश गुड़िकर स्थान पर गति कहुए आउ थे कहीदे समय अनुसार गोटे वस्तु तार विभिन्न अंश गुड़िकर स्थान पर गति कहुए एक सरल रेखा कौन सी वस्तु गतिशील हेले तार गति को सरल रेखीय गति कहुए आम पूर्व श्रेणी मानक पढ़ीचे मनकर गोटे सरल रेखा गोटे वस्तु ए बिंदु तार यात्रा आरंभ कला गोटे सरल रेखा गति कर बी बिंदु में पहुँचला 60 किलोमीटर दूरता अतिक्रम कर पुणी थे आग को सी पर्यंत से अतिक्रम कला आउ 30 किलोमीटर तापर सी रु से पुणी थे ए को फेरी आसला तले थारे से केते दूरता अतिक्रम कला ताले मोड दूरता होची केते ना एबी तापर बीसी को गला एबी प्लस बीसी तापर पुणी सी ए को फेरला तने एबी प्लस बीसी प्लस सी ए तो इक्वल कोन हबो ना 60 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर तो टोटल हे होची 180 किलोमीटर तो एठारे जो दूरता होची से होची 180 किलोमीटर तो दूरता कौन वर्तमान आम से विषय आलोचना करवा दूरता और विस्थापन को बुझापी गोटे सरल उदाहरण आलोचना करवा मनकर जड़े व्यक्ति ए बिंदु पश्चिम दिगरे 5 किलोमीटर यात्रा कर बी बिंदु पहुँचले बी रु पुणी उत्तर दिग को 12 किलोमीटर यात्रा कर सी बिंदु पहुँचले तेरे द्वारा अतिक्रांत मोट दूरता कौन ए बिंदु हूँ प्रारंभिक बिंदु बा प्रारंभिक अवस्थान शेष बिंदु बा शेष अंतिम अवस्थान हूँ सी बिंदु ताले मोट अतिक्रांत दूरता है ए बी प्लस बी सी 5 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर समान 5 × 12 मिसिकी 17 किलोमीटर है किंतु तांकर प्रारंभिक अवस्थान और अंतिम अवस्थान मध्य सर्वनिम्न दूरता जो आम देखा तेटा हो सी जोटा किमती बाहर पीतावरास उपाध्य प्रयोग कर देखा पड़ो 5² + 12² √13 आसो तेनालीरें सर्वनिम्न दूरता आसला 13 किलोमीटर ताले गोटे वस्तु एक प्रारंभिक बिंदु तार गति आरंभ कर एक अंतिम बिंदु में पहुँचला बिंदु द्वय मध्य सर्वनिम्न दूरता को से वस्तुर विस्थापन बोली कहुए यह विस्थापन हूँ एक सदृश राशि जार उभय परिमाण और दिग रही है विस्थापन दिग सर्वदा प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु आड़ को गोटे वस्तु प्रारंभिक बिंदु बाहरी कौन से एक पथर गति कर अंतिम बिंदु में पहुँचले वस्तुटी अतिक्रम कर पथर प्रकृत दैर्घ्य को दूरता कहुए किंतु विस्थापन केवल प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु उपर निर्भर करिथाय सही बिंदुद्वय मध्य सर्वनिम्न दूरता द्वारा विस्थापन परिमाण प्रकाशित होता है दूरतार एकक और विस्थापन एकक समान जहाँकि एसआई यूनिट जदि आम देखा उभय एसआई यूनिट मीटर तेरे दूरता और विस्थापन मध्य जो पार्थक्य दशा रही गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन इतने आम लिखिपर उभयर संज्ञा लिखा जापर दूरता एक अदिश राशि विस्थापन को सदिश राशि विस्थापन शून हो पारे किंतु दूरता शून हो पार ना दूरतार परिमाण विस्थापन परिमाण सह समान हो पारे किंबा ताठारु अधिक हो पारे किंतु विस्थापन परिमाण दूरतार परिमाण सह समान किंबा ताठारु कम यही आम यार पार्थक्य लिखिपर वर्तमान आम आलोचना करवा क्यों परिस्थिति में विस्थापन परिमाण शून हो मनकर गोटे वस्तु गोटे सरल रेखा गतिशील वस्तुटी सरल रेखा ए बिंदु तार यात्रा आरंभ कला एवं 60 किलोमीटर अतिक्रम कर बी बिंदु में पहुँचला बी बिंदु पुणी 30 किलोमीटर अतिक्रम कर सी बिंदु में पहुँचला एवं यापर ए सी बिंदु पुणी थे ए बिंदु को फेरी आसला तेब एठारे मोट दूरता केते और विस्थापन केते केमती जानवा मोट दूरता समान ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तामने 60 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर है कि 180 किलोमीटर आसुची किंतु जेहेतु यार प्रारंभिक अवस्थान प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु उभय समान अर्थात उभय होची ए बिंदु तेणु प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मध्य सर्वनिम्न दूरता होची शून तेणु एक क्षेत्र में विस्थापन शून है अर्थात जदि गोटे वस्तुर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान हुए अर्थात प्रारंभिक अवस्थान और अंतिम अवस्थान समान हुए से क्षेत्र में यार विस्थापन शून हो पार
ପିଲାମାନେ ଏ ସାରଣୀଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ଏ ଓ ବି ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା ଓ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି 9:30 ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ 10 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିଲା, 9:45 20, ତାପରେ 30, 40, 50 ଏଇଭଳି ଦୂରତା ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବି ଦ୍ୱାରା 12 ମିଟର, ତାପରେ 19, ତାପରେ 23 ମିଟର, ତାପରେ 35 ମିଟର, ତାପରେ 37 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ 9:30 to 9:45 ମାନେ 15 ମିନିଟ୍, 9:45 to 10 ପୁଣି 15 ମିନିଟ୍, 10:15 ପୁଣି 15 ମିନିଟ୍ ରହିଲା ଅନ୍ତର, ପୁଣି 10:15 to 10:30 ପୁଣି 15 ମିନିଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ସମାନ ଅଛି। ପ୍ରତି 15 ମିନିଟ୍ରେ ଯଦି ଏ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରତି 15 ମିନିଟ୍ରେ 10-10 ମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ସେ 10 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିଲା, ତାପରେ 20 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ 10 ମିଟର ଦୂରତା ଯାଇଛି। ତାପରେ 30 ମିଟର ମାନେ ଆଉ 10 ମିଟର ଦୂରତା ଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମାନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମାନ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ହେଉନାହିଁ। ବି ସମାନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅସମାନ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏ ସମଗତିରେ ଗତି କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଓ ବି ଅସମଗତିରେ ଗତି କରୁଛି ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ସମଗତି ଓ ଅସମଗତି କ'ଣ? ତେଣୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ସମାନ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ସମାନ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ତାହା ସମଗତିରେ ଗତି କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟର ଅନ୍ତରାଳ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମାନ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ବସ୍ତୁଟି ଅସମାନ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ଗତିକୁ ଅସମଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଜନଗହଳି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା, ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗଲାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରେକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେଠି ସମାନ ଦୂରତା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମଗତି। ତ ଅଧିକାଂଶ ଗତି ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଅସମଗତି ଅଟେ, ସମଗତି ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ବେଗ ଓ ପରିବେଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବେଗ କ'ଣ? ଏକ ବସ୍ତୁ ଏକକ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତାକୁ ସେ ବସ୍ତୁର ବେଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ସମଗତିରେ ଗତିଶୀଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯଦି ସମାନ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ବେଗ ମଧ୍ୟ ସଦାବେଳେ ସମାନ ରହିବ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ସମବେଗ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ସମାନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅସମାନ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମଗତିରେ ଗତି କରୁଛି, ତେବେ ତା'ର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସିବ, ତାକୁ ଅସମବେଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ହାରାହାରି ବେଗ, ସମବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁର ହାରାହାରି ବେଗ ତା'ର ମୂଳ ବେଗ ସହିତ ସର୍ବଦା ସମାନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅସମ ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି, ତେବେ ତା'ର ହାରାହାରି ବେଗ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ମୋଟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା ବାଇ ମୋଟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ସମୟ। ତାହେଲେ ଦୂରତା ବାଇ ସମୟ କଲେ ଆମେ ବେଗ ବାହାର କରିବା, ବେଗ ସମାନ ଦୂରତା ବାଇ ସମୟ। ତେବେ ବେଗର ଏକକ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଦୂରତାର ଏସଆଇ ଏକକ ଓ ସମୟରେ ଏସଆଇ ଏକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବେଗର ଏକକ ଏସଆଇ ଏକକ ଆସିବ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଏକକ କହିଲେ ଆମେ କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତେବେ ବେଳେବେଳେ କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାରକୁ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାରକୁ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଥିରେ 5/18 ବା 1000/3600 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିଭଳି ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡକୁ କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଥିରେ 18/5 ବା 3600/1000 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏ ଯାନବାହନର ବେଗ ମାପିବା ପାଇଁ ସ୍ପିଡ଼ୋମିଟର ନାମକ ଏକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ସ୍ପିଡ଼ କେତେ ହୁଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ୋମିଟର ନାମକ ଏକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୂରତା ମପାଯାଏ ଓ ସ୍ପିଡ଼ୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବେଗ ମପାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପରିବେଗ କ'ଣ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ବସ୍ତୁର ବେଗକୁ ପରିବେଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ପରିବେଗ ସମାନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁର ବେଗ କିମ୍ବା ତା'ର ଗତିର ଦିଗ କିମ୍ବା ଉଭୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ପରିବେଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଦି ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମାନ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ତେବେ ତା'ର ହାରାହାରି ପରିବେଗ କେତେ ହେବ? ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ଓ ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗର ସମଷ୍ଟି ହରଣ 2, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆଭରେଜ୍ ତା'ର କେମିତି ବାହାରିବ? ନା U+V/2। ଏଠାରେ ୟୁ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ, ଭି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ, ଏବଂ ପରିବେଗର ଏକକ ମଧ୍ୟ ବେଗର ଏକକ ସହିତ ସମାନ ଆସିବ, ଯାହାକି ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ତେବେ ବେଗ ଓ ପରିବେଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ବେଗ ଓ ପରିବେଗର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିପାରିବା। ବେଗ ଏକକ ସମୟରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା ହେଲା ବେଗ, ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ବସ୍ତୁର ବେଗକୁ ପରିବେଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ବେଗ
केबे भी शून हो पार ना कि परिवेग शून हो पार कहीं बेग हूँ दूरता बाई समय एवं परिवेग हूँ विस्थापन बाई समय जेहेतु विस्थापन शून हो पार तेणु परिवेग शून हो पार गोटे गतिशील वस्तुर बेग परिवेगर मूल्य सह समान हो पार कि अधिक हो पार से ही गोटे गतिशील वस्तुर परिवेग बेग सहित समान हो पार कि कम हो पार से बेग हूँ एक अदिश राशि ओ परिवेग हूँ एक सदिश राशि तो युगुड़ सब रहा बेग और परिवेग मध्य पार्थक्य बर्तमान आम ए बेग परिवेग सम्बन्धी किसी गाणितिक प्रश्नर समाधान करवा मनकर गोटे कार ओडोमीटर रे प्रारंभिक पाठ्यांक 1800 किलोमीटर थिला 4 घंटा यात्रा कला परे यार अंतिम पाठ्यांक 2200 किलोमीटर हैला तेबे कार हाराहारी बेग केते एठारे अतिक्रांत दूरता केम जाणिबा 2200 किलोमीटर शेष पाठ्यांक अछि प्रारंभिक परिवेग जो पाठ्यांक होछि 1800 तेणु अतिक्रांत दूरता होछि 2200 किलोमीटर फेड़ाण 1800 किलोमीटर गले 400 किलोमीटर आसिब आ समय देछि 4 घंटा ताले बेग होछि कोन दूरता बाई समय तेणु 400 किलोमीटर बाई 4 घंटा कहले 100 किलोमीटर पर आवर आस 100 किलोमीटर पर आवर एटी आसला से ही आउ गोटे प्रश्न जो देखा मनकर भाग्यश्री एक 90 मीटर दैर्घ्य को विशिष्ट पोखरी में पहरी थाए थे से पोखर दैर्घ्यर दिगरे सीधा गोटे प्रांत अन्य प्रांत को पहरी पुणी से प्रांत को सीधा फेरी आसला तेरे से 4 मिनिट्रे समुदाय दूरता अतिक्रम कला तेरे भाग्यश्री हाराहारी बेग और परिवेग के हिसाब कर यार समाधान केमती करवा एठार 4 मिनिट्रे मोट अतिक्रांत दूरता ताल के हम 90 किलोमीटर 90 मीटर गला पुणी 90 मीटर आसला तेणु मोट 180 4 मिनिट्रे जेहेतु तार प्रारंभिक अवस्थान अंतिम अवस्थान सामान रोचे तेणु तार विस्थापन होून एवं बेग हूँ कि हारा बेग हो मोट अतिक्रांत दूरता बै मोट समय तेणु 180 मीटर बै जो 4 मिनिट अच्छी ताको सेकेंड्रे परिणत कले 240 सेकेंड कहले 3/4 मीटर पर सेकेंड हाराहारी परिवेग हूँ केमती ना परिवेग हूँ विस्थापन बाय समय तेणु 0/4 सेकेंड्रे परिणत करवा जब 0/240 सेकेंड तमें 0 मीटर पर सेकेंड अर्थात तारा हाराहारी बेग है 3/4 मीटर पर सेकेंड और हाराहारी परिवेग हूँ 0। बर्तमान आम त्वरण विषय आलोचना करवा मनेकर गोटे वस्तु सम बेगर गतिशील सामान परिवेग से गति कर ताले जेकोसी मुहूर्त आम जब तार परिवेग परिवर्तन देखिबा ताले परिवेगर परिवर्तन किछि हो नाही तेनु परिवेगर परिवर्तन शून हो किंतु जदि वस्तुटी असम गति रे गति करछि तार परिवेग भिन्न भिन्न समय रे परिवर्तन होछि ताले तार परिवेगर परिवर्तन किछि ना किछि आसिबो मनकर तार प्रारंभिक परिवेग यू अंतिम परिवेग भी ताले परिवेगर परिवर्तन कहिले अंतिम परिवेग माइनस प्रारंभिक परिवेग अर्थात भी माइनस यू आ जदि टी समय मध्य परिवर्तन आमे लक्ष्य करिबा ताले परिवेग परिवर्तन रा हार होचे वी माइनस यू बाई टी ता अंतिम परिवेग फेडाण प्रारंभिक परिवेग बाई समय ताले परिवेग परिवर्तन रा हार को त्वरण बोली कह जाय ताले त्वरण होचे परिवेग रे परिवर्तन बाई समय अवधि अर्थात वी माइनस यू बाई टी एहा को ए अक्षर द्वारा सूचित करा जाय तेणु ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी तेणु त्वरण होचे एक सदिश राशि यार उभय परिमाण और दिग रही गोटे गतिशील वस्तुर जब त्वरण अच्छी ताले आम तार वस्तु को वस्तुर से गति को त्वरान्वित गति कहीपर परिवेग दिगरे जदि त्वरण रहा जुक्तात्मक त्वरण बोली कहुएं परिवेगर विपरीत दिगरे जदि त्वरण आसला ताकि विजुक्तात्मक त्वरण मंदन कहुए से ही यार एसआई एकक जदि आम देखा तेणु परिवेगर परिवर्तन तेणु परिवेगर एकक आसला मीटर पर सेकेंड और समय एकक है सेकेंड तेणु यार एसआई एकक आसला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही एक सरल रेखा गति कर वस्तुर परिवेग जदि समान समय अंतराल समान परिमाण वृद्धि किंवा ह्रास पाऊँ तेरे वस्तुर बा वस्तुटी समतोलन गति करपर एवं यार उदाहरण हूँ मुक्त पतनशील वस्तु सर्वदा एक समत्वरान्वित गति रे गतिशील वस्तु बोले आम कहीपर से हीपरी जदि समान समय व्यवधान में वस्तुटीर त्वरण असमान परिमाण में वृद्धि किंवा ह्रास पाँच तेज वस्तुटी असम त्वरण में गति करए तो पाने आजपाई समय हो गलानी तो आज कालांशर ये धन्यवाद।